तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्क की डेफिनेशन और उसके केसेस बताए थे। तो यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है। कितना फोर्स लगाया जा रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और मान लीजिए कि इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है एम मास का, 10 न्यूटन फोर्स लगाने पर वो डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, वो लेट सपोज 8 मीटर का हुआ है ना। तो ये 10 मीटर, 10 न्यूटन के डिस्प्लेसमेंट लगाने से 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है कि इस फोर्स के कारण क्या वर्क डन होगा। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हम निकाल सकते हैं भाई, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है ना कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स भी वैसी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वैसी लग रहा है, तो 0 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल। तो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है बच्चों? 1। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो हमेशा एफ इंटू एस लगाए, एफ इंटू एस, दैट्स इट। तो फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है और ये जो है 8 मीटर है। तो वर्क डन बाई फोर्स 10 न्यूटन, ये आ गया बच्चों 80 जूल, है ना। यूनिट मैंने बताई थी आपको, जूल होती है, 80 जूल। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये तो बड़ा सिंपल सा कुछ सवाल था, ऐसे ही आपको मैंने जस्ट बताया है कि इस टाइप के सिंपल सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ये जल्दी से आप नोट कर लो। फिर अगर मैं और सवाल की बात करें तो कैसे होते हैं बच्चों, तो आपसे मान लीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि अ पेयर ऑफ बुलक्स, अ पेयर ऑफ बुलक्स एग्जर्ट एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 1400 न्यूटन ऑन अप्लो द फील्ड बींग प्लॉड प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग। तो आपसे बोला गया कि हाउ मच वर्क इज डन इन प्लॉइंग प्लॉइंग द लेंथ ऑफ फील्ड। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ फील्ड को प्लॉट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क वो बुलक्स ने किया है, पेयर ऑफ बुलक्स ने, है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही बात है, जिधर पेयर ऑफ बुलक्स फोर्स लगाएंगे वहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो हम डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। फोर्स जो पेयर ऑफ बुलक एग्जर्ट कर रहा है वो 1400 न्यूटन है, एंड जो लेंथ ऑफ फील्ड हमें प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट, वो बच्चों है 15 मीटर। तो आप ये दोनों वैल्यूज उठा के पुट कर दो, तो यहां से आप वर्क डन निकाल सकते हो। फोर्स फोर्स जो है वो 1400 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 15। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2100 जूल, या कभी कभी बच्चों आंसर में इसको किलो जूल भी बोलते हैं। तो 10^3 जो होता है वो किलो होता है, तो 21,000 जूल बोल दो या 21 किलो जूल बोल दो, बात एक ही है। तो कभी कभी आंसर किलो जूल्स में होता है, इसलिए मैंने आपको बताया किलो जूल्स में भी आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको बच्चों ये जो पॉइंट है क्लियर होगा। और देखो बच्चों कैसे सवाल पूछे जाएंगे, इस तरीके से आपसे बोल देगा कि एक सरफेस है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इस सरफेस पे उन्होंने बोल दिया कि एक कार है, टॉय कार है, ऐसा आप समझो। इस तरीके से एक जो है टॉय कार है, टॉय वाली होती है जो कार थोड़ी सी बड़ी, आप ऐसा मान लो।
तो उसके बाद ये जो टॉय कार है इसका, इसको एक जो बच्चों आदमी है इस टॉय कार को ऐसे खींच रहा है, मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा है रस्सी बांधकर। ये फोर्स जो है वो एफ लगा रहा है। तो ये फोर्स जो एफ लगा रहा है वो आपको बोला गया है कि 50 न्यूटन का है, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, ऐसा बोल दिया उसने। और जब इस टॉय कार को ये आदमी खींच रहा है तो टॉय कार का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों वो 1 मीटर हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वो एंगल पे फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो ये आपको बोल दिया गया है। उसके बाद फिर आपसे ये कहा गया है कि भाई अगर ऐसी बात है तो 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट है, एंगल 30 डिग्री है, तो बताओ इस आदमी ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाई मैन कितना है या वर्क डन बाई फोर्स एफ कितना होगा, तो ये निकालना है। अब आप निकाल सकते हो बच्चों, यहाँ पे एंगल वाला क्वेश्चन आ गया। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला अगर एंगल आ जाता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर। तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री है, तो फोर्स है 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, और कॉस थीटा, थीटा है 30 डिग्री। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है। तो आपको अगर याद है मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक टेबल बनवाया था, उसको देखिए। अगर आप वो टेबल देख रहे हैं तो कॉस 30 की वैल्यू आपको याद आएगी कि √3/2 लिखवाई थी, तो 2 से ये 50 कैंसिल तो 25 बचेगा, तो ये 25√3 जूल। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25√3 जूल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो देखो बच्चों, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि बच्चों एक ब्लॉक है इस तरीके से, है ना, ये इस सरफेस पे है और इस ब्लॉक पर कैपिटल एफ फोर्स लगाया, तो ये ब्लॉक ऐसे मूव करने लगा, और मान लीजिए कि ये ब्लॉक मूव कर जाता है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। तो ये कहा गया ये सरफेस है इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है 2 न्यूटन का, मतलब जब तक इसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो लगातार फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता रहता है, और ये कितना लगता है बच्चों 2 न्यूटन, उन्होंने ये बता दिया है। तो फिर आपसे सिंपल सा सवाल ये पूछा गया कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन और बाय द फ्रिक्शन। तो आपको बाई फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ है जब ये ब्लॉक 10 मीटर मूव कर गया। तो देखो इसको भी आप सिंपल कर सकते हो। देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट की तरफ है और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180। अब आप फॉर्मूला वही लगा लें, कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पे कॉस 180 है। और बच्चों अगर आपको टेबल याद है तो मैंने कॉस 180 की वैल्यू लिखवाई हुई है -1, तो फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है बच्चों वो कितना बन जाएगा -20, तो -22। तो देखो यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो है निगेटिव आया है और कितना आया है -20 जूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। और देखिए स्टूडेंट्स, और कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो आपसे। मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, बोला गया कि ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन में ये इस तरीके से, और ये एंगल बोला गया 60 डिग्री है, 60 डिग्री है ना बच्चों। और यहां पे बोला गया कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ है स्टूडेंट्स, ये लेंथ आपको बोला गया 5 मीटर, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास m वगैरह है, और इसको रिलीज कर दिया गया, ऐसा बोला गया रिलीज्ड। तो ये जो ब्लॉक है ये ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो ये ए पॉइंट से ब्लॉक बी पॉइंट तक आ जाएगा पूरी लेंथ कवर करके, इंक्लाइन प्लेन की नीचे आ जाएगा भाई, है ना, पूरी लेंथ कवर करके। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये नीचे आ क्यों रहा है, आपको पता है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है,
तो आपसे यही पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है? वर्क डन बाय एमजी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी कितना वर्क डन लगा कर रही है वर्क करके, है ना? तो वर्क डन बाय एमजी फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपसे पूछा गया है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो समझे आप अच्छे से। देखो जो ग्रेविटी फोर्स है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, इंक्लाइन में तो लगता नहीं। ग्रेविटी फोर्स जो है एमजी, वो तो बच्चों ऐसा लिखेगा। अच्छा क्वेश्चन में आपको मास दिया गया है, मास देना भूल गया आपको, मास दिया गया, एम की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है 2 kg, है ना? तो एमजी फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ, तो एम की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम, तो 20 न्यूटन का फोर्स लगा एमजी, वो डाउनवर्ड लगा। लेकिन ब्लॉक तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है लेकिन फोर्स तो ऐसे लग रहा है, तो हमें इन दोनों के बीच का ये एंगल निकालना पड़ेगा बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं एमजी को वर्टिकली डाउनवर्ड करूं तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, तो ये जो ट्राइंगल बचा 90 60, तो ये तीसरा एंगल जो बचा बच्चों ये बचेगा 30 डिग्री। तो सोचो ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 30, क्योंकि इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, आपको पता है ये चीज़। तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट और एमजी फोर्स के बीच में जो आपका एंगल है वो 30 डिग्री है। अब निकाल लो, अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मुझे तो पता है वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा है, और फोर्स यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है तो फोर्स है एमजी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, और एमजी की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन है इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट और एमजी के बीच का एंगल, और कॉस 30 की वैल्यू होती है, अगर आपको टेबल याद है तो आपको बताया गया था, √3/2। तो इसको फर्दर 20 × 5 इंटू √3/2 लिखा जा सकता, तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 × 5 ये हो जाएगा बच्चों 50√3 जूल। तो दिस इज द वर्क डन बाई एम जी फोर्स एंड आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें ये कहा गया है कि 2 kg का एक ब्लॉक है जिसपे एफ फोर्स लगाया गया। हमें नहीं पता एफ फोर्स की वैल्यू क्या है, लेकिन इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की रफ्तार पहले 10 m/s थी, जैसे ही फोर्स लगाया गया तो इस ब्लॉक की रफ्तार बढ़कर 30 m/s हो गया 4 सेकंड में। तो तब तक उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी हमें नहीं पता, लेकिन आपसे ये बोल रहा है कि 10 से 30 होने में जब वेलोसिटी के दौरान ये फोर्स लगा है तो इस फोर्स का वर्क डन कितना होगा। तो फोर्स का वर्क डन तो हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला तो हम यही जानते हैं भाई कि आप वर्क डन निकालो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में लिख लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ना तो आपको फोर्स डायरेक्टली पता है ना आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, अब ये कैसे निकालोगे, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। देखो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, समझे इस बात को। अब ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन चाहिए ना बच्चों, एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 10 m/s है, फाइनल वेलोसिटी 30 m/s है, और टाइम आपको दिया है और ए निकालना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाओगे तो आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v है 30, u है 10 प्लस a इंटू टी है 4, तो 10 इधर जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा आप खुद बताओ, आप बता सकते हो, 10 इधर जाएगा तो 30 - 10 तो ये हो जाएगा 20, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 20/4, तो a की वैल्यू आ गई 5 m/s². अब जैसे ही a आया तो m मास तो हमें पता ही है m 2 kg है, तो आपको फोर्स की वैल्यू मिल गई 2 kg इंटू ए जो है वो 5, तो फोर्स की वैल्यू मिल गई 10 न्यूटन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट और मिल जाए तो काम बन जाएगा हमारा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चों आप कोई भी इक्वेशन लगा लो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो सेकंड इक्वेशन अगर हम लगाएंगे मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो क्या मिलेगा बच्चों सेकंड इक्वेशन से, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, टी है 4 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 5
इंटू टी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर डेट इज 16, तो ये 2 से ये 8 प्राइम्स कैंसल, तो ये बचेगा 40 प्लस, और ये 5 इंटू 8 तो ये भी 40, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों 80 80 मीटर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 80 मीटर्स। अब जब डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर्स है, फोर्स 10 न्यूटन है, तो अब वर्क डन निकाला जा सकता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 80 मीटर, तो वर्क डन जो आया वो आया 800 जूल। तो वर्क डन आएगा बच्चों 800 जूल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन यूज हो तो हमेशा याद रखना बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज लेना है। मैंने खैर टफ मान ली, पर थोड़ा सा बता दिया, बाकी जब आपको क्वेश्चन आते हैं तो या तो आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना होता है या फोर्स निकालना होता है, बाकी एक चीज आपको दे देगा वो, लेकिन अगर दोनों भी ना दिया जाए डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली आप उसको निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके, और फिर वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो तो आपका काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वर्क को निकालने का एक और इसका आसान तरीका है, वो मैं आपको पहले एनर्जी पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आपको इनिशियल और फाइनल फाइनल आपको वेलोसिटी दी जाएगी तो वर्क डन निकालने का एक लाइन में आंसर आता है ना, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, वो मैं आपको कुछ समय के बाद बता दूंगा, समझा दूंगा, है ना। पहले हम एनर्जी पढ़ेंगे उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों अब आते हैं हम लोग वर्क के बाद एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एनर्जी। तो एनर्जी की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, ऐसे ही डिफाइन किया गया है इसको, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, आप लिख सकते हो द एबिलिटी और कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, इसी को एनर्जी कहा गया। इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं अगर हम, तो कोई भी फोर्स या कोई भी चीज किसी दूसरे पार्टिकल पे वर्क तभी कर सकती है जब उसके पास एनर्जी हो, अगर एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो वर्क नहीं कर पाएगा, है ना भाई। आप खुद सोचो, अगर किसी ब्लॉक को ऐसे ग्राउंड से उठा के एम मास के ब्लॉक को ऊपर ले जाना है, तो कोई भी आदमी अगर ऐसा कर रहा है इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जा रहा है एच हाइट तक, तो ऑब्वियसली बात है ये तभी ऐसा कर पाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के ब्लॉक को ऊपर ले जाएगा और इस पर वर्क कर पाएगा जब इसके पास एनर्जी है। अब ये उठाने लायक हालत में है ही नहीं, इसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो फिर ये ब्लॉक को थोड़ी ना उठा पाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, और अगर मैं अच्छा एग्जाम्पल बोलूं, तो भाई आप कार चला रहे हो, है ना बच्चों, तो जब आप कार चला रहे हो तो कार पे फोर्स लगता है, और कार पे फोर्स लगता है तो कार का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सलरेटर आप देते हो तो एक्सलरेशन लगता है, तभी तो कार डिस्प्लेस होती है, तो कार वर्क कर रही है, चल रही है ना, तो वर्क कर रही है। लेकिन ये वर्क किस वजह से कर रही है, क्योंकि इसमें पेट्रोल है, फ्यूल है, फ्यूल जो है उसके पास केमिकल एनर्जी है बच्चों, केमिकल, ये जो एनर्जी है बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, तो यहाँ पे फ्यूल के फॉर्म में केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी जो है यही इससे क्या करा रही है, कार को चला रही है और कार पे वर्क करा रही है, तभी कार चल पा रही है। यानी कि अगर इसके पास फ्यूल नहीं होगा, केमिकल एनर्जी नहीं होगी, तो फिर ये कार थोड़ी ना चलेगी, बिना पेट्रोल के गाड़ी थोड़ी ना चलती है, उसमें पेट्रोल डालोगे तभी तो गाड़ी चलेगी, खाली अगर टैंक हो जाएगा तो फिर थोड़ी ना गाड़ी चला पाओगे आप, तो गाड़ी पे वर्क नहीं हो पाएगा। वैसे ही आप सोचो कि आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में हैं जिसमें बहुत सारी मंजिल्स है, तो आपको पता है बच्चों वहां पे लिफ्ट लगी रहती है, लिफ्ट, तो लिफ्ट जब पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा रही है, ग्राउंड ग्राउंड से सेकंड फ्लोर पर, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, मतलब लिफ्ट वर्क कर रही है, लेकिन ये तब कर पाएगी ना जब इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी है, तभी तो ये लिफ्ट ऊपर ले जा रहा है। अगर ये एनर्जी होगी ही नहीं
तो फिर लिफ्ट कैसे वर्क करेगी, किसी आदमी को कैसे ऊपर ले जा सकती है? अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं तो लिफ्ट चलेगी नहीं, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ही नहीं तो फिर वर्क करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, वर्क करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वर्क तभी हो सकता है जब आपके पास कोई एनर्जी हो, और वो जो वर्क करा सकता है, वो जो क्वांटिटी है उसको हम एनर्जी बोल रहे हैं। कि वर्क तभी हो सकता है जब एक क्वांटिटी हो किसी बॉडी के पास, और वो क्वांटिटी को हमने नाम दिया है एनर्जी। जैसे यहाँ पे ये क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे वो क्वांटिटी थी फ्यूल वाली, तो इसको हम बोल रहे हैं केमिकल एनर्जी। यहाँ पे मैन अपनी खुद की एनर्जी खर्च कर रहा है, तो उसके पास मस्कुलर एनर्जी थी, तो उससे उसने क्या किया, ऊपर ले गया। तो आप ये देख पा रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं भाई, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना। तो ऐसे कई सारी एनर्जीज हैं, आगे हम चलकर पढ़ेंगे तो साउंड एनर्जी भी होगी, साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है ना बच्चों। लाइट एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, बहुत सारी ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है ना, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में चर्चा होती है, लेकिन हमें नहीं करनी है, हमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, हमें जो स्टिक करना है इस चैप्टर में वो मैकेनिकल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है बच्चों, और एक पोटेंशियल एनर्जी जब हम ब्लॉक का पोजीशन चेंज करेंगे तब वो आएगी, है ना। तो हमें अपने आप को स्टिक करना है केवल मैकेनिकल एनर्जी, बाकी बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं बच्चों। अच्छा, ये जो वर्क है ना, ये भी एक तरीका है एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने का। आप ऐसा सोचो, सोचो जब पंखा चलता है, तो पंखा जब चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, और फिर वो वर्क कर रहा है, मतलब घूम रहा है, तो वर्क हो रहा है, और उस वर्क की वजह से वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि घूम रहा है। तो वर्क जो है वो एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो जो कभी कभार पूछ लिया जाता है एक नंबर है बच्चों, कि एक्चुअली जो वर्क डन जो हम निकाल रहे हैं, वर्क इज द मोड ऑफ है ना, एक मोड है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे आपको दिखेगा आगे चलकर, अभी तो आप खैर उतना नहीं सोच पाओगे जितना मैं सोच पाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आगे आगे बढ़ोगे, चीजों को और एनालाइज करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वर्क जो है वो कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए ये कहा जाता है कि वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। तो आई होप आपको एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, यानी बिना सोर्स ऑफ एनर्जी के आप वर्क कर ही नहीं सकते हो। तो हमें एक क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जब ही हम वर्क कर सकते हैं, वो क्वांटिटी को ही हमने क्या कहा है, एनर्जी। तो इसलिए बोला गया है द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। और एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हमारा इस चैप्टर में जो हम इस 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें हमें किस पे स्टिक करना है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी में भी दो एनर्जीज हैं इंपॉर्टेंट, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको बारी बारी करके हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी बेसिक बातें बता दूं। एनर्जी है तो ही वर्क हो सकता है, और वर्क और एनर्जी आप ऐसा सोचो इक्विवेलेंट है। एक्चुअली वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो जो यूनिट वर्क की होती है वही यूनिट एक्चुअली में एनर्जी की भी होती है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इस जूल। तो SI यूनिट जो है एनर्जी की वो जूल है। अच्छा, वर्क की याद है बच्चों CGS यूनिट क्या होती थी, वही एनर्जी की भी CGS यूनिट होगी। तो CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, है ना बच्चों, याद करो। वर्क का जो CGS यूनिट होता था अर्ग होता था ना, तो जूल SI यूनिट है और अर्ग जो है वो CGS यूनिट है। अच्छा, इसमें मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया था, अगर आपको याद है तो 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, ERG, 7 अर्ग, ये मैंने आपको बताया था रिलेशन। अच्छा, कुछ और यूनिट देखिए बच्चों, CGS यूनिट ऑफ जो एनर्जी है वो अर्ग होता है, CGS ऑफ एनर्जी इज अर्ग और जूल। तो जूल और अर्ग में पहले भी हम रिलेशन देख चुके हैं, फिर से मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। और इसकी कुछ और यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर यूज होती हैं,
जैसे एनर्जी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो केवल आप कन्वर्जन फैक्टर अभी समझे, कन्वर्जन फैक्टर हो सके तो याद कर ले, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। बाकी आप टेंशन मत लो, जैसे जैसे आगे अपर क्लासेस में आप जाते जाओगे तो इनको आप समझते जाओगे। बस मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ जल्दी से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अदर यूनिट्स जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर फिजिक्स में अलग अलग तरीकों से यूज होती है ना, तो अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी की जो अदर अदर यूनिट्स हैं वो क्या है बच्चों, यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर। तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, अभी शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन जब हायर लेवल पर पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर एटम और न्यूक्लियस में जब आप बात करोगे डील करोगे, तो वहां पे एक्चुअली में 1 जूल बहुत बड़ी एनर्जी होती है। तो वहां पे हमें छोटी एनर्जी चाहिए और ये सबसे छोटी यूनिट होती है एनर्जी की, ऐसा समझो आप। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोला जाता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और शॉर्ट में ईवी से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ईवी से डिनोट किया जाता है। जो दूसरी यूनिट है वो यूज की जाती है जब आप हीट वगैरह पढ़ोगे, अभी तो नहीं है आपके कोर्स में, हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे तो हीट वगैरह जब पढ़ा जाता है तो वहां पे कैलोरी यूज किया जाता है बच्चों, यूनिट जो है वो कैलोरी CAL यूज किया जाता है। एंड जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आओगे ना बच्चों, तो वहां पर जब आप जैसे आप बिजली का जो बिल भरते हो ना, तो आप बोलते हो ना आज इस महीने ज्यादा बिल आया तो ज्यादा यूनिट जल गई, किसी महीने में कम बिल आता है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि इस महीने कम यूनिट जली है। ये जो यूनिट है जो जली है, जिसका चार्ज जो पैसा लेता है गवर्नमेंट आपसे बिजली विभाग, वो एक्चुअली में एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट ही यूनिट कहलाती है। वो जो यूनिट आप बोलते हो ना ऐसे बोलचाल की भाषा में, वो एक्चुअली में एक यूनिट जो है वो जो यूनिट है उसको किलो वॉट आवर बोला जाता है, किलो वॉट आवर, इसको शॉर्ट में KWHR ऐसा लिखा जाता है। तो खैर समय के साथ जब जब आप चीजों को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो ये यूनिट्स आप यूज करोगे, लेकिन इनके कन्वर्जन फैक्टर्स अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, वो याद रखें आप। तो जैसे पहला जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर मैं बोलूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो ये बहुत छोटी यूनिट है एनर्जी की, तो इसमें बहुत कम जूल होंगे। कितना मैं आपको बता देता हूँ, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। देखो 10⁻¹ में, यानी 1 जूल का कितना फ्रैक्शन है, 10⁻¹⁹ का फ्रैक्शन है, डिवाइड बाई 10⁻¹⁹ है। तो सोचो इतना छोटा फ्रैक्शन जूल का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। फिर 1 कैलोरी जो है वो आप लिख सकते हो, ये होता है 4.186, या फिर अप्रोक्सीमेटली इसको 4.2 जूल ले लेते हैं। तो 1 कैलोरी, जब आप कैलोरी अगर कभी आ गया उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल ये होते हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। और 1 किलोवाट आवर आ जाए, 1 किलोवाट आवर, तो उसमें कितने जूल की एनर्जी होती है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल की एनर्जी। तो इस तरीके से ये अलग अलग जगहों पर यूज होने वाली एनर्जी की अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर कभी क्वेश्चंस में आ जाए, फाइनली आपको जूल में कन्वर्ट करना होता है, तो इनका कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इतना जूल लिखते हैं, कैलोरी को 4.2 जूल लिखते हैं, और 1 किलोवाट आवर को 3.6 × 10⁻⁶ जूल लिखा जाता है, जूल में उसी एनर्जी को, है ना बच्चों। तो आई होप आपको एनर्जी क्लियर है, एनर्जी की यूनिट्स क्लियर है। एक बात और, एनर्जी जैसे वर्कडन स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी बच्चों स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे, वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चों। इसका डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन होते ही नहीं, केवल हमें एनर्जी से मतलब है, तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप आपको एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।